नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार कैरी हिंद न्यूज यूट्यूब चैनल में। और अजय चौटाला के निष्कासन के बाद जिला झज्जर में भी आई इस्तीफों की बहार। जिला झज्जर की समस्त इनेलो कार्यकारिणी की इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। राकेश जाखड़ जिला अध्यक्ष ने भी अपना इस्तीफा दिया है। और आज यहां हल्का बादली के वरिष्ठ नेता इनेलो पार्टी से जुड़े रहे हमारे साथ हल्का अध्यक्ष पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी और विभिन्न पदाधिकारी यहां मौजूद हैं, जिन्होंने आज सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किया है। 17 तारीख की जींद की कार्यकर्ता बैठक और चंडीगढ़ में होने वाली रैली को लेकर के हरियाणा प्रदेश के राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों का विशेष नजर है। और कल के इस प्रकरण को लेकर के आज इस्तीफों का दौर यहाँ जारी हुआ है। हम जानना चाहेंगे हल्का बादली के पूर्व में इनेलो से अध्यक्ष रहे मामन ठेकेदार जी से। मामन जी, आज यहां सामूहिक रूप से बादली हल्का के पदाधिकारी उपस्थित हैं, कार्यकर्ता उपस्थित हैं, सबने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है जी। आज जो ये सभी ने इस्तीफे दिए हैं, ये सभी बादली हल्के के कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ और घनिष्ठ, पूर्व में प्रत्याशी रहे राजेंद्र ऐरी जी, सम्मानित मास्टर रामचंद्र जी किसान सेल के अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट के, और बुद्धिजीवी के भाई धर्मेंद्र जी, और पूर्व में पार्षद रहे अमित गुभाणा जी, जिले के प्रवक्ता मनोज पंचाल जी, और विशेष तौर पर जिले की प्रधान बबीता पुनिया जी, और हमारे साथ आए युवा के अध्यक्ष भाई बलवान हसनपुर जी, और सभी एक इकट्ठे होकर और सभी कार्यकर्ताओं ने एक विचार बनाकर फैसला लिया। आज समय की घड़ी आ गई थी, एक तरफ तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए सभी बादली हरके के वरिष्ठ और घनिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक ही आवाज़ दी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करने का निर्णय लिया गया, और ये सभी कार्यकर्ता अपनी मर्जी से कल जींद जाकर अजय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे जी। और हमारे साथ पूर्व में प्रत्याशी विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र ऐरी जी, आइए जानते हैं उनके विचार। आज सामूहिक रूप से इस्तीफा प्रकरण पर हुआ है, क्या कहना है आपको? ऐसा है जी, जो अजय सिंह चौटाला जी को पार्टी से निकाला गया है ना, इसकी हमारे बादली हलके की सारी युवा टीम और जनरल टीम, तकरीबन सारी की सारी टीम को पीड़ा हुई है। और सारी टीम ने अपने बैठ मिल के फैसला लिया है कि हम अजय सिंह चौटाला जी के साथ रहेंगे, और वहाँ कल जींद में जाके उनके हाथ मजबूत करेंगे। और हमने अपनी मर्जी से फैसला लिया है, हम सब अजय सिंह चौटाला जी का समर्थन करेंगे जी। पूर्व में पार्षद रहे अमित गुभाणा जी भी हैं, जो पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं और आज यहां बादली हलके के पदाधिकारियों के साथ उपस्थित है, ये जानते हैं उनके विचार। पार्षद जी, हम सब ने मिलकर यही फैसला लिया है, सबका मन पहले ही अजय सिंह चौटाला जी के साथ था, और हम जो युवा विंग है सारी की सारी, इन्होंने तो अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में ही पार्टी ज्वाइन की थी, उन्हीं के निर्देशों से इस पार्टी के लिए काम किया था। और जहाँ उनके साथ आज ये एक सौतेले जैसा व्यवहार हो रहा है कि उनका कोई कसूर ना होते हुए भी उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, इससे हमारी सब की आत्मा छिन भिन हुई है। और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि 15 साल से जो लोग ये आस्था बनाए हुए बैठे थे कि कभी ना कभी हमारी सरकार आएगी और सब लोगों के, साथियों के, सबके थोड़े बहुत काम भी होंगे और सबके दिन अच्छे होंगे, उनकी सारी की सारी इन उम्मीदों पर ठेस पहुँची है। और जहाँ अनुशासनहीनता का मामला देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी गौर करने योग्य है कि अजय सिंह चौटाला ने कौन सी अनुशासनहीनता की है। अनुशासनहीनता तो वो लोग भी कर रहे हैं जो किसी न किसी कार्यकर्ता को फ़ोन पे धमकिया देते हैं और दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, एमएलए तक को गायब कर देते हैं। वो अनुशासनहीनता तो उनकी भी है, उन पे भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन पे कार्रवाई नहीं होती और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पे कार्रवाई होती है, तो हम इस पार्टी के साथ ना रह सकते हैं और ऐसे माहौल में ना हम काम कर सकते हैं। हम नॉर्मल रूप से जो हमारी कार्यकारिणी है उसको इकट्ठा करके और इन सारे के सारे पदों से हम इस्तीफा देके, और हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ जाना चाहते हैं, भाई दुष्यंत चौटाला के साथ जाना चाहते हैं। धन्यवाद जी। हमारे साथ जिला के प्रवक्ता हैं, आइए जानते हैं उनसे। जिला के प्रवक्ता हैं नंबरदार मनोज पंचाल जी। नंबरदार जी, क्या लगता है आपको, कल क्या घोषणा होने वाली है जिसका हरियाणा की जनता को इंतजार है? नई पार्टी का ऐलान होगा या केवल मंथन होगा? नई पार्टी का तो ऐलान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ही बताएंगे, उस पार्टी के बारे में तो हम नहीं बता सकते। पर हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को, डॉक्टर भाई दुष्यंत चौटाला को और दिग्विजय चौटाला को निकाला गया है पार्टी से। उनकी माता श्री नैना चौटाला जी भी तो उन्हीं के परिवार से है, डॉक्टर अजय सिंह के परिवार से है। अपना विपक्ष का पद बचाने के लिए उनको पार्टी के अंदर रखा गया है, क्योंकि उनको भी तो निकालना चाहिए, वो भी तो उन्हीं का परिवार का अंग है। अपने पद के लिए, अपने पद की वो बचाने के लिए उन्होंने पार्टी के अंदर रखा हुआ है। और
हम सब बादली हलका के जिला स्तर के भी और हलका स्तर के भी सभी पदाधिकारियों ने एकमत होकर के अपना निर्णय लिया है कि भाई सब साथी अजय सिंह के साथ हैं और अजय सिंह जी के साथ रहेंगे। महिला शाखा की प्रधान भी है हमारे साथ बबीता पुनिया जी, आज आपने भी यहाँ उपस्थित होकर अपने इस्तीफे की पुष्टि की है, कितनी महिलाएं आपके साथ आई हैं और कौन कौन आपके साथ इस्तीफे के लिया है? देखिए, बादली हलके की नहीं बल्कि पूरे जिले की टोटल महिला टीम मेरे साथ है और हमने बहुत सोच समझ करके ये डिसीजन लिया है इस्तीफा देने का। कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो मेरी टीम से अलग जाएगी। खुश होकर के सभी ने बोला है कि जहां दुष्यंत चौटाला जी हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं, वहां बादली हल्के की नहीं इसकी झज्जर जिले की पूरी टीम खड़ी है, क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के परिवार के साथ अन्याय हुआ है और हम आहत हैं। हर वर्कर, हर पदाधिकारी पीड़ित है इस चीज़ से, इसीलिए हम सब ने मिलकर के आज इस्तीफा दिया है। हम भाई अजय सिंह चौटाला जी के साथ खड़े हैं जी। और हम बात करना चाहेंगे, सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। बुद्धिजीवी के प्रकोष्ठ हैं, जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, धर्मेंद्रपुरों में पार्षद रहे हैं बामड़ोला गाँव से, क्या कहना है आपका? देखिए पत्रकार महोदय, आज जो हालात और परिस्थिति है जी, डॉक्टर अजय सिंह का जो निष्कासन हुआ है वह संवैधानिक है, स्पष्ट रूप से सबको पता है इस बात का, तो उसी से हाथ धोकर आज हमने ये फैसला लिया है। सभी साथियों ने मिलकर के ये डिसीजन लिया है कि हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ जाएंगे और इस संघर्ष की घड़ी में उनका साथ देंगे, और सभी ने मिल बैठ करके ये निर्णय बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही विचार करके ये हमने आज फैसला लिया है। धन्यवाद जी। और देर से ही सही निर्णय लिया गया है, सामूहिक निर्णय लिया गया है, एक दबाव का कार्य किया गया है, यहाँ दुष्यंत चौटाला के समर्थन में खड़े हो गए हैं समस्त बादली हलके के कार्यकर्ता पदाधिकारी। रामचंद्र जी हैं, अनुभवी हैं, काफ़ी सीनियर नेता रहे हैं, आइए जानते हैं। इस किसान सेल के रहे हैं, पूर्व हलका अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में किसान सेल के हैं जी। जी आज तो आपने इस्तीफा दे ही दिया है जी, और रामचंद्र जी से जानेंगे इनके विचार, इस्तीफों से क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से हरियाणा के राजनीति में बदलाव आएगा, जहां दुष्यंत वहां हम के नारे लगाए जा रहे हैं, आपका अनुभव है क्या रहेगा पार्टी को लेकर के और नई पार्टी को लेकर के, क्या विचार हैं आपके? आज के प्रदेश में जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर जो पैदा हुए हालात पैदा हुए हैं, जनता की आवाज़ है, क्योंकि पार्टियाँ अनेक बनी है प्रदेश में, पार्टी का वजूद जनता के साथ है। हालात ये हैं कि आज के जो दौर के अंदर जहाँ जनता जिसको चाहेगी, ये आरोप लगे दुष्यंत और दिग्विजय पर, पार्टी में हूटिंग करी गई उनके द्वारा, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, जनता जिसको चाहती है उसको उसके नारे लगते हैं। अब से पहले मोदी का जब इसमें आया तो जहाँ भी जाता था मोदी 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 के नारे लगते थे, वही हालात आज की जनता चाह रही है कि यहाँ हरियाणा के अंदर दुष्यंत जी को जो है सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो इसलिए उसकी आवाज़ को दबाने के लिए सारा सब कुछ किया जा रहा है। जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, जहां जनता है वहां प्रजातंत्र के अंदर वजूद ही जनता के आधार पर है किसी भी। रामचंद्र जी, यदि दुष्यंत जी कल नई पार्टी बनाते हैं जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, नई पार्टी बना करके चुनाव लड़ते हैं, क्या लगता है आपको, नुकसान होगा फ़ायदा होगा? देखिए इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्यों, हम पिछले 15 साल से ग्राउंड लेवल पर गांव-गांव जाते हैं, वहाँ लोगों की एक ही मतलब आवाज़ थी कि भी इसे दुष्यंत को आगे करवा, हम फिर भी यही कहते थे कि ये उनका पारिवारिक मामला है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो ऐसा है, आपकी भावना को अगर कोई विचार मतलब पूछना चाहे तो ही बता सकते हैं, बाकी क्योंकि ये एक पारिवारिक मामला है इसलिए हमें इसमें कुछ नहीं कह सकते। बाकी लोगों को पिछले 4-5 साल से हम लगातार जो के सांसद बने हैं उसके बाद उनने जो कार्यशैली अपनी दिखाई संसद के अंदर, तो उससे लोगों लोग प्रभावित हो गए जी, और लोग प्रभावित हुए हैं दुष्यंत जी की कार्यशैली से। जुड़ना चाहेंगे एक बार फिर से हलका अध्यक्ष, पूर्व में ठेकेदार रहे और वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि हैं मामन ठेकेदार जी। मामन जी, जिस प्रकार की घटनाएं आज यहां आपके इस कार्यालय पर, मैं कहूंगा आज समस्त बादली हलके के कार्यकर्ता एकत्रित हैं, देर से लिया गया निर्णय है लेकिन दुष्यंत के पक्ष में ये निर्णय लिया गया, क्या कहना है? ये एक हलका अध्यक्ष का निर्णय नहीं है जी, ये पूरे बादली हलके के जी, चाहे वो हलके का है
चाहे वो जिले का है, चाहे वो कार्यकर्ता है, ये सभी की विचार पर फैसला लिया गया है। और विचार पर फैसला लेने के बाद एक आवाज़ थी, हल्के में अगर कोई फैसला लोगे तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के पक्ष में लेना होगा। ये हमारी नहीं थी फैसले की नीति, ये बादली हल्के के लोगों की थी। और जो लोग कहेंगे हम लोगों के साथ चलते हैं, अगर अस्तित्व है किसी का वो उनके परिवार का मैटर है, कौन क्या करता हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग कहेंगे, अगर लोग ही नहीं होंगे तो हम किस बात के लिए। पार्टी बड़ी नहीं है, चेहरा बड़ा है आपके लिए। नहीं, चेहरा बड़ा नहीं है बिल्कुल, हमारे लिए चेहरा बड़ा नहीं है जी। लोग एक जो सत्य के साथ खड़े होते हैं, मैं ये नहीं कह सकता किसी के नारे लगे कहीं लगे कैसे लगे जी। पार्टी चेहरा नहीं, चाहे जय बोल रही थी वो किसी कांग्रेसी की तो नहीं बोल रही थी जी, या बीजेपी वाले की नहीं थी जी, वो थी तो इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं की जी, नेताओं में सारे आगे जी। कल अगर कोई मोदी की नारे बोल रहा था बीजेपी का तो प्रदेश में आवाज उठी। आज दुष्यंत का है, वो मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला बने या मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बने, हम बादली हल्के के वर्कर हैं और अपना काम करना जानते हैं जी। और जब ऐसी परिस्थितियां आ गई तो बादली हल्के के वर्कर को कार्य करने में दिक्कत आने लगी जी। और पिछले कुछ दिनों से तो बहुत बार दिक्कत आ रही थी, किधर जाए, क्या करे, कैसे करे। इसका एक सामूहिक फैसला बना दिया गया, अब सारे पदाधिकारियों को और बादली हल्के के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया। उसमें जो सामूहिक फैसला लिया गया, हमने सब पे उस पर उनका आदर और मान रखने का काम किया है जी। और यहाँ पर एक सामूहिक निर्णय लिया गया है इस्तीफे का, जैसा कि मामन ठेकेदार ने, जिला हल्का अध्यक्ष ने क्लियर किया है हमें। और यह जो इस्तीफे का दौर है, देखते हैं हरियाणा की राजनीति पर कितना प्रभाव रहेगा। जिस प्रकार से स्पष्ट होता जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला नई पार्टी का गठन करेंगे, देखना है कि यह घोषणा कब हो पाती है। और निगाहें टिकी रहेंगी कल 17 नवंबर को होने वाली दोनों ही पक्षों की एक कार्यकर्ता मीटिंग है, और दूसरी जो चंडीगढ़ में अभय चौटाला के नेतृत्व में बुलाई गई है, दोनों पर जनता की निगाहें टिकी हुई हैं। और यहां दावा किया जा रहा है कि जनता जिसको चाहेगी वही नेता बनेगा। कैमरामैन रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर अजय चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जहां दुष्यंत वहां हम।